क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। स्वतः सुखाए राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों ने लखीमपुर खीरी से राजनीतिक फायदे तो उठाए, लेकिन इस जिले को तरक्की नसीब ना हुई। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य महज किताबी बातें बनकर रह गईं। बदहाल सड़कें, सूखे खेत और रात के स्याह अंधेरे लखीमपुर खीरी के नसीब बन गए। लेकिन इस अंधेरी रात की मियाद खत्म हुई और जिले को मिला उसका सच्चा सेवक, हमदर्द, हमराह, हम ख्याल और सबको चाहने वाला, जरूरतमंदों का सहारा, विकास पुरुष सफर अली नकवी। साल 1952 के बाद से जिले के लोग आवागमन की समस्या से जूझते रहे। सत्ता नशीनों ने बड़ी रेल लाइन बिछाने के वादे तो किए, लेकिन वादा सिर्फ वादा ही रह गया। माननीय जफर अली नकवी ने सांसद बनने के बाद जिले की जनता को 715 करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी रेल लाइन का तोहफा दिया। 3.5 साल की मियाद के सालों बाद भी ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वर्तमान सत्ता को शायद इस नेक काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लखीमपुर जिले के लगभग 5,000 गांव जो आजादी के बाद बिजली के लिए तरस रहे थे, उनके लिए तत्कालीन सांसद जनाब नकवी जी के अथक प्रयासों से 419 करोड़ रुपए की योजना से 3,033 बगैर बिजली वाले गांव और 1,500 आंशिक बिजली वाले गांव रोशनी से नहाए और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। वहां केशवपुर गुरेला में कम से कम 10 साल से बिजली का आवागमन नहीं था बढ़िया। सांसद जी से विनती करने के बाद में सांसद जी ने हम लोगों के क्षेत्र वासियों की बात सुनी। बात सुनने के बाद में उन्होंने तत्काल ओएल से बिजली की लाइन केशवपुर गुरेला के लिए जुड़वाई। किसी भी क्षेत्र का या समाज का विकास तभी संभव है जब वहाँ के बाशिंदे शिक्षित हों। इसीलिए पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने जिले में ब्लॉक कुंभी और बांकेगंज में 5-5 करोड़ रुपए की लागत से आईटीआई स्वीकृत करवाई। 2014 में माननीय जफर अली नकवी जो उस वक्त सांसद थे यहाँ के, उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं को और यहाँ की जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पे आईटीआई कॉलेज की स्थापना कराई थी और स्वीकृत कराई थी। पैसा भी भेज दिया था उन्होंने, लेकिन तुरंत ही सरकार बदल जाने के कारण यहाँ का काम में काफ़ी व्यवधान आ रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इस समय माननीय सांसद जफर अली नकवी ये चुनाव जीत गए होते तो ये काम बहुत पहले पूरा हो गया होता, और उनकी कमी इस समय यहाँ की जनता को काफ़ी असर रही है। अगर अगर कॉलेज बन चुका होता अभी तक तो यहाँ के युवा लोग जो है पढ़े लिख के अभी तक रोजगार पा चुके होते, इससे जो है वो उनके पास जो है बेरोजगारी समाप्त होती, अपने परिवार का पालन पोषण करते। दूरदृष्टा जफर अली नकवी ने ब्लॉक बांकेगंज के गांव कुकरा और ब्लॉक फूल बेहड़ में 6,02,00,000 रुपए की लागत से एक एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई। माननीय जफर अली नकवी सांसद जी के द्वारा ये विद्यालय का उद्घाटन हुआ था और उन्होंने इसका निर्माण करवाया। 2014 में जब सरकार इनकी कांग्रेस की चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई तो उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ इस विद्यालय में, और अभी तक किसी भी विद्यालय में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई।
इसके साथ ही जिले के मुख्यालय लखीमपुर में पॉलिटेक्निक के वर्कशॉप निर्माण के लिए 60,80,000 रुपए की स्वीकृति और गोला में गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज और गुरु नानक डिग्री कॉलेज के कंप्यूटर रूम तथा अन्य कमरों के निर्माण के लिए 28,00,000 रुपए की स्वीकृति करवाई। बहुत सारे विकास कार्य माननीय सांसद जफर नकवी जी के कार्यकाल में हुए, उनके बाद यहाँ पे तत्कालीन इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके कार्यकाल में शायद ही यहाँ का कोई हो जो उनकी शक्ल तक देखा पहचानता हो। ना कोई विकास कार्य हुआ, ना क्षेत्र में आए, इसके पहले भी कई सांसद रहे, कई पार्टियों के रहे, लेकिन इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ जो 2009 से 2014 के कार्यकाल में हुआ। तत्कालीन सांसद श्री नकवी जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि भारत सरकार द्वारा 45 सड़कें बनाने के लिए 33,09,82,000 रुपए स्वीकृत हो पाए। साथ ही 3,08,34,000 रुपए की लागत से 5.629 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और पीलीभीत की सीमा से महाराजगंज तक 1,600 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना से लखीमपुर खीरी के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाना भी इन्हीं के कामों में शुमार है। लखीमपुर में 14,50,00,000 रुपए की लागत वाला ऊपरगामी सेतु बनवाकर जनता के आवागमन को सुगम करवाया। जनता की पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए नकवी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 550 इंडिया मार्का 2 हैंडपंप लगवाए, साथ ही 1,500 नल स्वीकृत करवाए। माननीय नकवी जी ने लखीमपुर खीरी में हर साल आने वाली बाढ़ से त्राही त्राही कर रही जनता को राहत दिलवाने के लिए भारत सरकार के आपदा नियंत्रण निधि से सहायता तथा अन्य बाढ़ संबंधी परियोजनाओं के लिए 1,48,00,000 रुपए स्वीकृत करवाए। निघासन शारदा बैराज पर पंचबेड़ी पुल निर्माण हो, नौधन पटना पुल, ब्लॉक निघासन में मांझा पुल और ब्लॉक कुंभी में काकर घाट का पुल हो, सभी कार्यों के लिए पूर्व सांसद नकवी जी ने प्रमुखता के साथ पत्राचार किए, क्योंकि इन कामों को करने का वादा किया था अपने क्षेत्र की जनता से। नगर पंचायत सिंगाही में नकवी जी ने अपनी सांसद निधि से 50,00,000 रुपए देकर महिला अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन वर्तमान सत्ता ने अभी तक इस अस्पताल को कोई डॉक्टर या कोई सुविधा नहीं दी है। जिले में चहुमुखी विकास हुआ नकवी जी के कार्यकाल में। लखीमपुर खीरी में आज FM रेनबो भी आ चुका है। 10 किलोवाट के एंटीना और 2,50,00,000 रुपए की लागत वाले इस FM चैनल का प्रसारण 60 किलोमीटर के दायरे में सुगमता के साथ हो रहा है। साथ ही बैंकों के विस्तार के लिए भी इन्होंने अथक प्रयास किए, जिसकी वजह से SBI, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एवं सिंध बैंकों की 55 शाखाओं का शुभारंभ हुआ। जिले में 2,250 सोलर लाइट्स जिले भर के विभिन्न स्थानों पर लगवाई बगैर किसी भेदभाव के। माननीय जफर अली नकवी जी ने लखीमपुर खीरी और नेपाल सीमा पर 10 अतिरिक्त VTS टावर लगवाए। इसके अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जरिए 3,000 विकलांग व्यक्तियों में 85,00,000 रुपए के सहायक अंग वितरित किए। हम विकलांग इधर उधर भटकते थे, विकास भवन के चक्कर लगाते थे, लेकिन साइकिल नहीं मिलती थी। हम सब विकलांग इस चीज के लिए आभारी हैं कि माननीय सांसद जी ने हम सभी विकलांगों की सुनी और एक तरफा से ये नहीं देखा किसको क्या चाहिए क्या नहीं, सबको दिया, साइकिल दिया, बैसाखी दी, कैलिपर्स दिए और इतना बड़ा कैंप लगाया। भारत सरकार से हम लोगों के लिए आवाज उठाने वाले माननीय जफर अली नकवी जी हैं। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के विकास की योजना, पशुपालन योजना, महिलाओं और नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण परियोजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालयों का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना जैसी करोड़ों रुपयों की बहुत सी योजनाएं स्वीकृत करवाई। नई पारदर्शी कानून व्यवस्था के तहत
धौरहरा में 700 लोगों के खिलाफ मुकदमों को समाप्त करवाना हो, बहुचर्चित सोनम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाना हो, या गरीब मजदूर और सताए गए लोगों को इंसाफ दिलवाना हो, किसी भी जगह नकवी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यात्री प्रतीक्षालय हो, कचहरी में वादियों के लिए हॉल हो, कब्रिस्तान की चहरदीवारी हो या मरघट का निर्माण हो, माननीय जफर अली नकवी जी ने हर जाति धर्म वर्ग क्षेत्र का काम बगैर किसी भेदभाव के किया। गोला गोकरणनाथ के शिव मंदिर, दुधवा नेशनल पार्क और पौराणिक देवकली को अपने अथक प्रयासों से पर्यटन केंद्र घोषित करवाने की कोशिश की, साथ ही इनके विकास के लिए 16 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत करवाई। अपनी बेदाग छवि, निडर नेतृत्व और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति और ईमानदारी की वजह से नकवी जी के 5 साल के विकास कार्य विरोधियों पर भारी हैं। नकवी जी ने जिले के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बजाज चीनी मिल खंभार खेड़ा, कुंभी गोला और पलिया मिलों का घेराव करके शासन पर दबाव भी बनाया। जो विकास कार्य माननीय जफर अली नकवी ने किए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। वैसे तो हम ब्राह्मण हैं और ये जो भाजपा की सरकार है ये हमारे लोगों की ब्राह्मणों की सरकार कही जाती है और हमारा वोट भी इसी में गिना जाएगा, हम अक्सर ऐसा मानते हैं, लेकिन लाभ कुछ भी हमारा नहीं हुआ। और अब क्या बताएं कि हम भाई हमारा कर्ज भी नहीं माफ हुआ, जो वादे किए गए अब हमारी जो फसल है वो सब चली जा रही है। हाँ, न मालूम कितनी गौएं बछड़े छुट्टा हैं, बताया जाता है ये गौशाला बन रहा वो बन रहा है, लेकिन इलेक्शन के पीरियड में बन रहा और इसके बाद में कुछ नहीं, इलेक्शन हो जाए बाद में कुछ नहीं बनना, तो हम क्या सोचें कि इस गवर्नमेंट में हमारा विकास होगा। और पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि 50,000 का ऋण हम सबका माफ़ कर देंगे, माफ़ कर दिया, और इन्होंने वादा किया 1 लाख तक का ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन शायद किसी बेईमान का माफ़ हुआ, ईमानदार का नहीं माफ़ हुआ। वादे तो बहुत से किए गए लेकिन पूरा एक भी ना हुआ। तमाम योजनाएं परियोजनाएं जो माननीय जफर अली नकवी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिनसे लखीमपुर खीरी का कायाकल्प हो सकता था, या तो बंद पड़ी हैं या अधर में लटकी हुई हैं। जो क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका था वो फिर से कराह रहा है, फिर से बदहाल है। अगर रोजगार देने के अवसर पर भारत 45 साल पीछे चला गया है तो नाकामी की और दूसरी कौन सी कहानी होगी। अगर जनपद खीरी की बात करूं तो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान एक बड़ी समस्या है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहां किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर किसान आहत और परेशान है। माननीय जफर अली नकवी विकास का मुद्दा लेकर, आपकी तरक्की की सोच को लेकर फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव के अखाड़े में खड़े हैं। प्रिय मतदाताओं, आप खुद इतने समझदार हैं कि अपना भला और बुरा समझते हैं। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जफर अली नकवी जी ने समूचे क्षेत्र समूची जनता के लिए काम किया है, उस युग में जब नेता खुद के लिए या फिर सिर्फ अपने कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। नकवी जी ने न कभी किसी से कोई भेदभाव किया, न ही किसी का कोई काम करने या करवाने में कोई हीला हवाली की। ऐसे में निर्णय आपको लेना है कि आपका कौन है और पराया कौन है। एक हवा चली, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने एक ऐसी सरकार बना दी जिसने सिवाय लोगों को कष्ट देने के और कुछ नहीं किया। बेटे को पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता और पिता को बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या आप एक ऐसे नेता को चुनना चाहेंगे जिसने 5 साल तक इलाके को कुछ नहीं दिया, या एक ऐसे नेता को चुनना चाहेंगे जिसने लगातार 5 साल तक इस इलाके की खिदमत की और ऐसी अपने चुनावी वादों को पूरा किया जो आज तक कोई भी नेता नहीं कर पाया। इस राजनीति को कभी उन्होंने पेशा नहीं बनाया। मैंने उनका राजनीतिक सफर बड़े गौर से देखा है, जब वो मंत्री हुआ करते थे या जब वो सांसद हुए या दिल्ली में
बहुत बड़े बड़े अहम पदों पर रहे, लेकिन लखीमपुर की जनता को उन्होंने कभी कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के वक्त से उनके साथ उनके सपनों का भारत बनाने के लिए जफर अली नकवी आज भी डटे हुए हैं। जरूरत है तो सिर्फ आपके साथ की, जरूरत है तो सिर्फ आपके विश्वास की, जरूरत है आपके एक एक वोट की। चुनाव के इस पर्व पर एक गठबंधन का माहौल बना हुआ है, एक ऐसा गठबंधन। मुझे रहीम दास का एक दोहा याद आता है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके भाटा दंग। कोई विचारधारा की समानता नहीं है, किसी प्रकार किसी चीज के आपस में सिद्धांतों का समझौता नहीं किया है और एक गठबंधन लेकर चले आए हैं ठगने के लिए। मैं तो कहना चाहता हूं ये दिल्ली का चुनाव है, यहां पर चुनाव राहुल जी और मोदी जी का है, ना अखिलेश जी को वहां जाना है ना मायावती जी को वहां पर जाना है। मुझे और आपको और मेरे जैसे नौजवानों को इस जुमलेबाजी की सरकार से मुक्ति चाहिए। 2009 से 2014 के मध्य लखीमपुर खीरी की जनता ने विकास का स्वर्णिम दौर देखा, विकास के उन्नति के अनगिनत काम हुए, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों में इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बदलने की वजह से क्षेत्र में फिर से बदहाली के काले बादल छा गए, विकास के दरवाजे बंद हो गए। जिन वादों को लेकर पिछली सरकार 2014 में आई थी उनमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सकी है, इसलिए उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उन भावनात्मक मुद्दों को उठा रही है जिनसे लोगों में द्वेष पैदा हो, लोग भड़कें, असली मुद्दों से अलग जाएं। किसान पीड़ा में है, युवा पीड़ा में है, महिलाएं पीड़ा में है, व्यापारी पीड़ा में है, सब लोग ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। 2019 हमारे बीच आया है, हमको ये फिर से अवसर दे रहा है कि हम अपने ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को स्थानीय रूप में सुने जो हमारी पीड़ा को अपने उस मंच पर जाकर कह सके जहां उस मंच पर हम उसको भेजना चाहते हैं। तो माननीय जफर अली नकवी को अपने एक एक वोट का समर्थन देकर अपनी ताकत बढ़ाइए। आज के बदले हुए माहौल में जो देश की स्थिति है, वो देश डूब रहा है, टूट रहा है, आज व्यापार बंद है, किसान आत्महत्या कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे RBI हो, सब, चाहे CBI हो, सब पे सरकार ने अंकुश लगाकर एक डिक्टेटरशिप की है जो कि संविधान के खिलाफ है, संविधान पर हमला है। आज देश को कैसे बचाएं? फिर त्याग बलिदान की आज हमको आवश्यकता है। इस बार फिर हमको अगर आप जिताते हैं तो हम विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे और देश की रक्षा के लिए अपने खून का बलिदान करेंगे। और जो आज बहकावे की राजनीति हो रही है, गरीब मर रहा है, आज देश टूट रहा है, आज पड़ोसी देश हमला कर रहा है, हम बैठे हैं, हमारे सैनिकों पर प्रहार हो रहा है, हमारा कश्मीर जा रहा है, इन सबको अगर हमको मजबूती से रखना है तो हमें कांग्रेस को वोट देना है और उस आजादी को ध्यान में रखते हुए जो गांधी से लेके राजीव गांधी तक ने जो आजादी का बलिदान दिया है। मैं शब्दों के साथ लखीमपुर जनता से पुनः अपील करता हूँ कि आप अपना बहुमूल वोट हमें देकर लखीमपुर को उन्नत के शिखर पर फैलाएं और कौमी यकजहती को एक करें। जय हिंद। लोकसभा क्षेत्र 28 लखीमपुर खीरी से हर एक गरीब, हर एक जरूरतमंद के उत्थान के लिए इस बार दलीय, जातिगत और धार्मिक राजनीति से आगे आइए, विकास को अपना मुद्दा बनाइए, पूर्व सांसद श्री जफर अली नकवी को जिताइए।